हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज यहाँ हम तिमूर की जो पौधा है छोटी सी, उसको हम थोड़ी काट के इसको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा सूख गई है। और इसको मैंने लिया था शिलोंग से, और बहुत साल हो चुकी है, 7 से 8 साल हो चुकी है, तो उसी टाइम लिया था। और मैंने क्या गलती किया, इसको मैंने बारिश आने से पहले ही ऐसे काट के छोड़ दिया। मैंने सोचा पत्ता आ जाएगी बारिश आते आते, लेकिन ये पूरा सूख गई है। देखिए पूरा सूख गई है। हुन्छ होला, पूरा सूख गई है। तो इसको मैंने सोचा कुछ करते हैं, अगर सूख जाएगी तो ठीक ही है, और हो भी सकती है, थोड़ा कोशिश करके देखते हैं। तो मैंने इसको सोचा इससे क्या करना है, इसको पहले काट के इसकी जो खराब ये है डाली है इसको निकाल देना है। और उसमें गोबर तो हमारे पास है नहीं, तो मैंने सोचा बर्मी कंपोस्ट को थोड़ा गीला करके और इसका ऊपर ऊपर लगा के बांध दूंगी। और अभी बारिश का सीजन है, शायद हो जाए। बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई है। इसमें भी देखिए हरी हरी पत्ता तो है, ऊपर तरफ सूख गई है, नीचे तरफ तो ठीक ठाक ही है जैसा लग रहा है। और ये भी देखिए छोटी सी यहाँ से एक पत्ता आ ही रही है। अब देखते हैं, यही बड़ा काट दूँ पापा ना, यही बड़ा सूखी सा कैसा था, यही बड़ा काट दूँ। तले बड़ा काट दूँ पत्ता, बरू तल बड़ा, तल बड़ा निस्किन्छ बरू। यो डाली तो हरिये छ जस्तै छ, यो ए सुकेछ। बहुत ठुलो गल्ती गरेँ मैले, यस्ता गल्ती नि। नै हुन्छ त, अलिक माथिबाट काट्यो पनि हुन्छ, नभए हेर्नु कहाँबाट काट्यो पनि मिल्छ। और ये अमरूद की पेड़ भी सूख गई थी, तो इसको मैंने थोड़ी क्या 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 डाल के अभी तो ठीक ही है। और इस बार अमृत हुई भी नहीं, एक ही है यहाँ पे, एक ही है, क्योंकि पूरी पत्ती जो है ऐसी हो गई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसी हो गई थी। तो अभी मैं कुछ कुछ डाल रही हूँ, तब जाके ये थोड़ी हरी हो रही है। और इसमें भी एक ही अमरूद है, दो पेड़ है, दो अमरूद है। और ये आम, आम के जो पौधा ये भी सूख गई है, तो इसको भी मैं डाल रही हूँ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। देखते हैं, धीरे धीरे हो भी सकती है। तो चलिए मैं थोड़ी हस्बैंड को मदद करती हूँ। और आज पूजा करने के लिए मेरे पास फूल है नहीं, मैंने सोचा था आज होगा, लेकिन ये नहीं हुआ, कल ही तो है। और यहाँ आपको मैं दिखा देती हूँ रेड रोज, और बहुत ही सुंदर कलर है ये, पूरा लाल हो जाती है। देखिए यहाँ पे भी है, इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे भी है, ये सूख गई है। तो चलिए मैं थोड़ी हस्बैंड को मदद करती हूँ।
ऐसे चारों तरफ में वर्मी कंपोस्ट को ऐसे लगा दूंगी और हस्बैंड बांध देंगे। देखते हैं कोशिश करके होगा तो ठीक ही है, मुझे लगता है जैसे हो जाएगी। भगवान भैया दस और सुबह की 5:30 हो रही है और देखिए बारिश आने के लिए रेडी है। मुझे लगती है जैसे बारिश होगी। हुन्छ नि पापा पानी पर्छ नि अहिले न पर्दैन होला हाँ उत्ताबाट तो पुरा पानी पर्ला जस्तै भइछ। ये साइड में तो पुरा जैसे लग रहा है, वो साइड जो दूर में है वहाँ पे देखिए जैसे लग रही है बारिश होगी। अब पता नहीं हो भी सकती है ना भी हो सकती है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये हमने क्वास लगाया था लेकिन नीचे से ठीक ठाक ही है, देखिए नीचे से ठीक ठाक ही है और ऊपर से ये सूख रही है। अब इसको निकाल के फेंकूँ या रखूँ मुझे भी पता नहीं, क्योंकि यहाँ से तो ये ठीक ठाक ही लग रही है मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा रहने देते हैं। और दिखा देती हूँ, एक को तो हस्बैंड बांध चुके हैं ऐसे करके। अब देखते हैं होगा कि नहीं, भगवान जाने। यहाँ मैंने पूरा बर्मी कंपोस्ट को लगा के रख दिया है। और यहाँ लगाया था हमने बीन्स, लेकिन इतनी ना ज़्यादा हवा लगती है कि हिलते रहती है, तो मैंने सोचा यहाँ नीचे रख दूँगी इसको। नीचे रखने से ही ठीक है, रोज़ कुछ ना कुछ काम तो होते ही रहती है किचन गार्डन में। तो इसको जहाँ बांध के रखा है उसको निकालना है। तो अभी हो गई है, यहाँ टीमुर को भी हो गई है, और यहाँ जो बीन्स लगाया था इसको भी ऐसे बेड़ा लगा दिया है। जैसा लग रहा है गांव गांव जैसा लग रहा है पुष्पा का गांव। अभी यह कीड़ा हो ना क्यों यो ये है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे किचन गार्डन को कैसा दिख रहा है। यहाँ से है ये नीम, ओहो इसमें फूल आया था और मेरे हस्बैंड ने ऐसे करके रख दिया इसको, इसमें फूल आया है। फल होगा कि नहीं पता नहीं, फूल तो आया है। तुम लोग के कारण हम दिखाई नहीं पा रहा है।
क्यों? हट। वहां भी मैंने रख दिया है, तीन को तो वहां रख दिया है। अब पुष्पा इसमें क्या बनाएगी और रखेगी? दूसरी साइड में कितना, एक साइड में बने हुए हाल चाल, दूसरी साइड में क्यों चाहिए? हम बगान का नहीं है तो गांव का नहीं है अंकल, गांव नहीं, तू तो दिल्ली शहर का है, बॉम्बे शहर का है। हां तो हम बॉम्बे से आई है हीरोइन पुष्पा राज फिल्म खत्म करके। दोनों में क्यों बनाना है, एक साइड में बनाने से? हाँ तेरा वो उधर उधर से तेरा ही इधर देखने के लिए बैठा हुआ है। देखेगा तो वो हाँ देखेगा, आदमी का कितना सुंदर सुंदर है, हम लोग का ये छोटा मोटा कौन देखेगा। अब देखते हैं इसमें क्या बनेगा। नहीं बनाइए इसका डोर फेरी। शनिवार का दिन करना चाहिए, ये वो दिखाई नहीं दे रहा है। स्माइल बना दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई कीजिए ना। टीशर्ट सारा लेकिन ना ठूलो कपड़ा ले पुष्नु पर्छ नि, और यहाँ छोटी छोटी 12 मुर्गी हमने लिया था, मुर्गी का बच्चा, और अभी दो ही है, 10 खत्म हो चुकी है और दो ही है। ये थोड़ी बड़ा होने के बाद उसका घर में रख देंगे। अभी यहाँ पे मेरी बेटी का रूम का हालत ही नहीं है, यहाँ मैंने वर्मी कंपोस्ट को रखा है, वो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम कपड़ा सुखाते हैं, क्योंकि बारिश होती है तो इसीलिए बाहर सुखाने से भीग जाती है, तो यहीं लेके सुखा देती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी प्रॉन फिश। यहाँ हल्दी और नमक दे दिया है, तो थोड़े टाइम मिक्स करके और ऐसे रख दूंगी। अब ये दाल बनने के बाद ही इसको मैं फ्राई करूंगी। यहाँ तो 700 रुपया किलो है, ये 350 की। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है खिचड़ी, आज रोटी नहीं बनाया, खिचड़ी, और यहाँ दाल चढ़ा दिया है, और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, तो यहाँ ये दाल भी बन जाएगी दोपहर के लिए, और ये अभी के लिए ब्रेकफास्ट। और हस्बैंड गए हैं सामान लेने के लिए, दुकान की सामान लेने के लिए। चल प्याज को तिरलीस उठी, तो अभी मैं प्रॉन फिश को फ्राई करूंगी, सभी को एक साथ डाल के ही फ्राई कर दूंगी। बोल अभी बोल क्या क्या कुटा है, बोल जल्दी। प्याज कुटा है, प्याज अदरक खुरसानी बोल प्याज अदरक और खुरसानी मिर्ची मुझे और याद आया।
ना थोड़ी पानी नहीं आता है तुझे तो। और यहाँ मैं आलू काट रही हूँ और यहाँ फिश भी फ्राई हो चुकी है, प्रॉन फिश फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है तो अभी मैं इसे निकाल देती हूँ। और यहाँ मैंने प्याज करी पत्ता और टमाटर को काट के रख दिया है। ये बेटी का टिफिन है, उसने मिठाई भेजी थी, नहीं क्या भेजा था इसमें, एक खाली टिफिन भेजा था उसने, और इधर से भर के जाना है, उधर से खाली आता है और इधर से भर के देना है। फ्राई हो चुकी है, आप इसमें थोड़ी सी तेल डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी सी बस। थोड़ी सी तेल डाल दिया है, इसको थोड़ी साइड करके रख दूंगी और पहले मैं प्रॉन पीस को बना लेती हूँ। यहाँ मैं प्याज डाल दूंगी, उसी कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़ी सी तेल की उसमें थोड़ा सा तेल डाल के और डाल दिया है। अब इसमें डाल दूंगी कड़ी पत्ता, हमारी दोपहर की खाना है, दोपहर के खाना भी मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। और अब डाल दूंगी टमाटर को, टमाटर डाल दिया है, अब डाल दूंगी मसाला। एक नंबर पर दिया है, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। नमक, अब डाल दूंगी लहसुन, ये भी खत्म हो रही है। थोड़ी सी पानी डाल देती हूँ, मसाला को अच्छा से भून लेती हूँ, उसके बाद डालूंगी। ये नहीं है इसीलिए छोड़ दे।
टमाटर मेरी पक गई है। अब मैं देखिए मसाला, तो मसाला भी हो चुकी है, टमाटर भी हो चुकी है, अब इसे डाल देती हूँ। और यहाँ मैंने डाला है अमूल क्रीम को, आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा क्रीमी क्रीमी होगी। और ये मैं आपको दिखाना भूल गई, भूल तो नहीं गई, मतलब कैमरा कैसे ऑफ हो गया था पता नहीं कैसे। तो आप भी ऐसे बना के ट्राई कर सकते हैं। दाल को तड़का लगाना है, तो अभी खाना मेरा बन चुका है। और आज खाने में मैंने क्या क्या बनाया आपको पता ही है, तब भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ है मसूर की दाल, यहाँ है बम्बू की सब्जी, ये यहाँ का लोकल बम्बू है, और यहाँ है छोटी छोटी आलू, ये भी लोकल सब्जी ही है, और स्पेशल है ये प्रॉन करी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और आप भी ज़रूर ट्राई करें, ऐसे बना के आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसे डालना मत भूलिए, इसके साथ ये बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अभी मैं जाऊंगी अपने काम में, दुकान में। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ प्रॉन बनाना, आप भी ट्राई करें, और बनाने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। और यहाँ मैंने रखा था दुकान में खाने के लिए बादाम, ये ले जाऊंगी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और ऐसे करके प्रॉन बना के खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है सच्ची में। तो आज के लिए मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ, बाय। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपना और अपना परिवार का अच्छा से ध्यान रखे, और हमेशा खुश रहे।